हेलो ब्यूटी क्वींस, तो आ गई हूँ मैं ये मेकअप लुक लेकर। और ये मेकअप लुक होने वाला है लैक्मी के फाउंडेशन से, जो बहुत ही अफोर्डेबल मिलता है, हर किसी के पास होगा। अगर नहीं है तो परचेज कर लेना, किसी भी लोकल मार्केट में नॉर्मल प्राइस पे आपको मिल जाएगा 150 के अराउंड। तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है और ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मेकअप लुक आज हम देखने वाले हैं और साथ में कुछ टिप्स शेयर करूंगी किस तरीके से क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा मेकअप जो है वो परफेक्ट हो। और इस तरीके से ये मेकअप लुक आप क्रिएट करके कहीं भी किसी भी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, किसी त्यौहार पर कर सकते हैं। तो अब चलिए हम मेकअप कर लेते हैं। और मेकअप में सबसे पहले क्या होता है, CTM, मतलब कि आपके फेस को क्लीन करना है, टोनिंग करना है और मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। तो क्लीन तो मैंने फेस को अच्छे से कर लिया था ऑफ कैमरा, और अब हम करेंगे स्किन केयर। डियर, स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेकअप में, और ये चीज़ें हम अगर बिगिनर हैं तो वे स्किप कर जाते हैं, जो गलती मैं खुद करती थी। और इसकी वजह से हमारा मेकअप बेस जो है वो फ्लॉलेस नहीं होता था, या फिर मेकअप निकलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, या मेकअप करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा मेकअप काला और लगने लगा। तो अब हम यहाँ पे फेस क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था गुलाब जल। और गुलाब जल कहीं भी इजीली आपको मिल जाता है, अगर नहीं है तो टोनर है, आप उसकी जगह टोनर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें थिन प्रोडक्ट अप्लाई करने होते हैं क्योंकि वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने पर्पल का सीरम लिया है, सीरम आपके पास है तो ले सकते हैं, नहीं तो स्किप करके मॉइस्चराइजर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैंने सीरम लगाने के बाद मेरी स्किन ऑलरेडी यहाँ पे मॉइस्चराइज हो जाती है, इसलिए मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं किया। मॉइस्चराइजर के बाद हमें अप्लाई करना होता है प्राइमर। यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई नहीं किया, मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे कर लिया, वो भी एक प्राइमर का ही काम करता है। प्राइमर जो है हमारी स्किन को मेकअप करने के लिए रेडी करता है, हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर देता है और हमारे स्किन पे एक स्मूथ बेस बना देता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने यूज़ किया ओलिविया का पैन स्टिक जो येलो टोन में है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फेयर मेकअप करना था, इसलिए मैंने ये लगा लिया है, कलर करेक्टर एज ए काम करेगा एज ए कलर करेक्टर का। तो इसे अप्लाई करने के बाद में मैंने छोड़ दिया और हम करेंगे सबसे पहले आई मेकअप। और आई मेकअप के लिए मैंने एक आईब्रो किट लिया था, उसी से अपनी आईब्रो फिल कर ली। और आईब्रो का शेप आपको बहुत ही अच्छे से देना है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल सी आईब्रो कर लेते हैं फेक सी दिखे वो बहुत ही गंदी लगती है, तो इस पर थोड़ा टाइम देना होगा। अगर आप फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना। आईब्रो फिल करने के बाद मैंने कंसीलर साइड साइड से अप्लाई कर लिया ताकि हमारी आईब्रो और ज्यादा पॉपअप करके निकल के और ज्यादा खूबसूरत लगे। उसके बाद मैंने यूज किया आईब्रो जेल जो है स्विस ब्यूटी का, क्योंकि मेरे आईब्रो के हेयर ना बहुत ज्यादा लॉन्ग है और वो इधर उधर फैल जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो ये जेल से आप अपनी आईब्रो के हेयर एक जगह पे कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने व्हाइट बेस लिया और उसे आईलिड के ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि अगर हम इसके बाद कोई भी कलर लगाएंगे ना तो वो ज्यादा निकल अच्छे से खिल के आएगा। और मैंने आपको दिखा दिया मैंने पैलेट कौन सा यूज किया। सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं एक पिंक कलर का शेड लिए हैं और पूरे आईलिड के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है, मतलब कि पूरी आंखों के ऊपर आपको अच्छे से अप्लाई करना है वो कलर। और यहाँ पे बहुत ही इजी आई मेकअप होने वाला है, बट खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगता है ये आई मेकअप। जब भी मुझे जल्दी में आई मेकअप करना होता है, किसी भी पार्टी फंक्शन में जाना होता है, तो मैं ये आई मेकअप कर लेती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। अब यहाँ पे जितना आपको कलर लेना है, जितना आपका मनचाहा कलर हो वो कलर, पिंक कलर ले सकते हैं, पीच कलर भी ले सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिया है ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर को जहाँ तक मेरी कट क्रीज है वहाँ तक अप्लाई करूँगी। आपको कट क्रीज निकालना नहीं आता है तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी कि आप कट क्रीज कैसे पता करेंगे कि कहाँ तक है, मतलब कि आप देख सकते हैं जहाँ तक मैं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर लिया, उसके बाद में एक ब्राउन शेड लेके जहाँ तक मैंने अप्लाई किया था ताकि कोई लाइन ना दिखे, उसमें ब्लेंड करते हुए वो ब्राउन कलर कर लिया ताकि कोई लाइन ना दिखे। उसके बाद अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। और फाउंडेशन लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले अपने फेस पे पूरे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, और हाँ मतलब कि इसे छोड़ना नहीं, आपको तुरंत के तुरंत आपको ब्लेंड करना है। और ब्लेंड करने के लिए आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग को आपको पानी में डिप करना है, उसके बाद उसे अच्छे से निचोड़ देना है और इसे
मतलब रगड़ना नहीं है आपको, स्पंज करते हुए इस तरीके से ब्लेंड करना है, बहुत ही इजिली ब्लेंड होता है। हाँ, ब्लेंडिंग में आपको थोड़ा टाइम जरूर देना होगा। उसके बाद अब यहाँ पे कहाँ पे हाईलाइट करना होता है, कहाँ पे कंटूर करना होता है, मैं साथ के साथ आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि काफी चीजें होती है जो हम स्किप कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारा मेकअप जो है ना वो उतना फ्लॉलेस नहीं होता है और हम सोचते हैं हम गलतियां क्या कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले जहां पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया, और कंसीलर मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, तो कंसीलर को पहले हम ब्लेंड करेंगे, उसके बाद हम कंटूर को ब्लेंड करेंगे। और कंटूर को हम ऊपर की साइड में ब्लेंड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और नोज का जो हमने कंटूर किया वो फिंगर से नीचे की साइड में ब्लेंड करना है। और डियर, अगर आप बिगनर हैं तो फिंगर टिप से ही नोज कंटूर को ब्लेंड करना, क्योंकि बहुत ही आपको कंफर्ट लगेगा और बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि मैं भी फिंगर टिप से ज्यादा ही करती हूँ। उसके बाद अब हम करेंगे अपने फेस को बेकिंग। आप चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लूज पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को जहां पे मैंने पहले कंसीलर अप्लाई किया था वहां डैबिंग मोशन में मैंने अप्लाई किया, उसके बाद उसी ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पूरे फेस पे अच्छे से चला लिया। पूरे गले को भी ध्यान देना है आपको, कान को भी ध्यान देना है, मतलब पूरा सब कुछ जहां तक लगता है कि आपकी स्किन दिखती है वहां तक आपको मेकअप करना है। ऐसा नहीं कि फेस पे ज्यादा ध्यान देना है, गला आपका काला दिख रहा है, कान आपका अलग सा दिख रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। और उसके बाद यहां पे मैंने काजल अप्लाई किया मैबलिन का। काजल अप्लाई करने के बाद में एक ब्लैक आई शैडो लिया और एक फ्लैट ब्रश से मैंने थोड़ा सा स्मच करते हुए कर दिया। अब यहां पे मैं लगा रही हूं पिंक कलर, और वही ब्राउन कलर ऊपर जो मैंने अप्लाई किया था उसी से मैं फिर से इसे सेट करूंगी। और आई मेकअप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, तो अगर आप विगनर है तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद आ जाएगा। अगर आप विगनर है तो मैं यही बोलूंगी, कोई भी आप ऐसे प्रोडक्ट लीजिए जो खराब भी होंगे चलेंगे, आपको मेकअप ट्राई करना है उसके बाद निकाल देना है। तो सीखने के लिए आप कोई जरूरी नहीं कि महंगे प्रोडक्ट का यूज करें, आप नॉर्मल ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज किया था मार्स का मस्कारा, और यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करने के बाद में थोड़ा सा मैं इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, ब्रोबोन पे अप्लाई कर रही हूँ। और ब्लश के लिए मैंने यूज कर लिया था उसी पैलेट का अपने आई शैडो पैलेट का पिंक कलर। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर मैंने यूज़ किया मिस एडीएस का, तो जो भी आप देख सकते हैं जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना होता है मैंने किस तरीके से अप्लाई कर लिया। और ये मेकअप लुक अगर आप एक बार कर लेंगे ना तो सच में आपको लगेगा हाँ, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहें तो वीडियो को ऑन कर लीजिए, उसके बाद करिए। कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी के दो लिप लाइनर लिए हैं और इसी से मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। यहाँ पे आपने देखा जो डार्क कलर है उससे मैंने लिप लाइन किया, और जो लाइट कलर है उसे मैं बीच में फिल कर दूंगी, एक शेडेड लुक दूंगी। और इस तरीके से अगर कभी भी आपके पास बाई चांस लिपस्टिक नहीं है, लिप लाइनर है, तो इस तरीके से आप लिप लाइनर से भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि लिपस्टिक कैसे बनाते हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है कि मेकअप काला क्यों हो जाता है, ये बहुत ही लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत ही लोग कहते हैं। और गर्मियों का टाइम है, कितना भी अच्छा हम मेकअप कर ले वो फैल ही जाता है, निकल ही जाता है, काला पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक आ जाए। तो मेकअप लुक आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलती हूं मैं, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।